वेलकम बैक टू स्ट्रीमर। सबसे पहले तो आज मैं आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी और जो छोटे मोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं उन सबको हैप्पी चिल्ड्रंस डे, साथ ही गोवर्धन पूजा की भी शुभकामनाएं। और आज के इस व्लॉग में मैं आपको कहीं सुनी का एक और एपिसोड लेके आई हूँ। तो आज फिर हम दो जोक सुनेंगे। तो पहला जोक ये है कि जब मैं ऑटो में जा रही थी तो एक ऑटो वाला दूसरे ऑटो वाले को बोलता, इस पेट्रोल पंप का पेट्रोल बहुत अच्छा है। तो उसी समय एक छोटे बच्चे ने बोला, क्यों आपकी गाड़ी ने क्या आपको टेस्ट करके बताया था कि अच्छा है या बुरा, जो आप बता रहे हो कि बहुत अच्छा है। बेचारे बच्चा, उसको मतलब क्या ही बोलूँ, मुझे हंसी आ गई थी उस समय कि वो मतलब कितने इनोसेंस के साथ वो पूछ रहा है, क्यों आपको आपकी गाड़ी ने आपको टेस्ट करके बताया अच्छा है या बुरा है। अच्छा चलो चलो नेक्स्ट जॉब पे फटाफट चलते हैं। तो हुआ ये, एक दिन मेरी एक फ्रेंड है असम से, जो जैसे होता है ना कि भारत में हर पग पग पे भाषा चेंज होती है, तो भाषा की वजह से क्या हुआ, अब उसको आदत नहीं है इतना हिंदी बोलने की। तो वो बोलती, आज मैंने रोटी खाने के बाद एक बनाना दबा लिया। ठीक है, मैं ऐसे, तो तू फिसली नहीं? अब मैं आपको बताती हूँ, उसका कहने का तात्पर्य था कि आज उसने रोटी के बाद एक बनाना भी खा लिया। अब देखो, अगर हम बनाना को दबाएंगे तो वो पैर के नीचे अगर आता है तो हम फिसलेंगे ना, तो इसलिए मैंने बोला तो फिसली नहीं। तो आज यहीं पे हम ख़त्म करते हैं कहीं सुनी। आशा है कि आप सबकी दिवाली अच्छी गई होगी, और इसी के साथ बाय।